नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द विजार्ड इन पोडी फैन। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, रूस ने एक ऐसे हथियार का सफल परीक्षण किया है और ऐलान किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक तरीके से हड़कंप मच गया, खासकर अमेरिका में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और भारत को इस हथियार से फायदा हो सकता है, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस इस वक्त रूस के पास है, जिसका नाम है S-400, जिससे कि दुनिया के सभी दुश्मन देशों के लड़ाकू विमान मिसाइल सब कुछ कांपते हैं। मगर दोस्तों इन सभी को पीछे छोड़ते हुए रूस ने एक नए हथियार को दुनिया के सामने लाया, जिसका नाम है S-500। जी हाँ दोस्तों, S-500 जो कि S-400 का एक नया वर्जन है। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि इसी साल यानी कि 2021 में ही S-500 को रूसी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। सबसे एडवांस्ड माने जाने वाला सिस्टम जल्द ही रूसी सेना में तैनात कर दिया जाएगा। रूस का दावा है कि इस सिस्टम के अत्याधुनिक रडार से दुश्मन के स्टील्थ लड़ाकू विमान तक नहीं बच पाएंगे। ऐसे में अमेरिका के लिए पुतिन का ऐलान चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। इतना नहीं, अमेरिका को यह भी डर है कि रूस आने वाले दिनों में दुश्मन देशों को यह हथियार बेच सकता है। S-500 डिफेंस सिस्टम को प्रोमेटी भी कहा जाता है। S-300 और S-400 की तरह इस डिफेंस सिस्टम को रूस की सरकारी कंपनी अलमाज एनेटी कारपोरेशन ने विकसित। और दोस्तों इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूसी एयरफोर्स से लगभग 70% एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट आधुनिक S-400 सिस्टम से लैस है, और इसके बाद बचे हुए रेजिमेंट में S-500 मिसाइल सिस्टम तैनात किया जाएगा। इसके परीक्षण पहले ही सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। S-500 प्रोमेथी का नाम यह डिफेंस सिस्टम 400 से 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के मिसाइल लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम है। व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय और रक्षा उद्योगों के साथ एक बैठक में कहा कि रूसी सेना वैश्विक सैन्य शक्तियों की रणनीति के हिसाब से खुद को तैयार रखना चाहिए और सभी प्रकार के सैनिकों को संतुलित और व्यवस्थित तरीके से विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस की सामरिक परमाणु क्षमता भी काफी विकास हुआ है। जल, थल और नभ से परमाणु हथियार दागने में रूस पहले ही बहुत सक्षम हो चुका है। और दोस्तों उधर रूस का दावा है कि उसके S-500 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। और दोस्तों उधर अमेरिका का दावा है कि उसका F-35 लड़ाकू विमान स्टील तकनीक से लैस है, जिसे किसी भी रडार के जरिए खोजा नहीं जा सकता। और रूसी अधिकारी ने यह भी कहा है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थित दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट को नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों आप सभी लोग मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि अधिकतर मिलिट्री सैटेलाइट या जमीन पर नजर रखने वाले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट धरती की निचली कक्षा में ही होते हैं। तो यदि हम लोग इसके आसान भाषा में इस मिसाइल के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इसमें ढेर सारे रेडार लगे होते हैं, जिससे पता लगाता है कि ऑब्जेक्ट जिसे मारना है वह कहाँ है। इसकी क्षमता यह है कि 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी खतरे को खत्म कर सकता है, फिर चाहे लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल या वो उसे मार कर गिरा सकता है। S-500 का जलवा यह है कि इसके रडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। 600 किलोमीटर तक ट्रैकिंग किया जा सकता है इस नए S-500 के जरिए। इसमें लगी मिसाइल 300 किलोमीटर ऊंचाई और 600 किलोमीटर दूरी तक किसी भी टारगेट को भेज सकती है, और इसे जमीनी ठिकानों को भी निशाना बजाया जा सकता है। सबसे तगड़ी चीज यह है कि एक समय में 600 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकने में इसकी क्षमता। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं, यह 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में 5 मिनट का समय लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो S-500 है इसमें 4 तरीके की मिसाइलें लगी होती है। जो पहला मिसाइल होता है वो 600 किलोमीटर रेंज, दूसरा मिसाइल 250 किलोमीटर, तीसरी मिसाइल 120 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रेंज की होती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें इतनी सारी मिसाइलें इतनी कैटेगरी की लगी होती है कि किसी भी लड़ाकू विमान, मिसाइल या फाइटर जेट का S-500 से बच पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों भारत S-400 खरीद रहा है और आने वाले वक्त में ऐसा माना जा रहा है कि भारत S-500 भी खरीद सकता है, क्योंकि इसकी खासियत भारत को सुपर पावर बना देगी। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, क्या भारत को S-500 की खरीद करनी चाहिए या खुद अपने एडवांस मिसाइलों पर ध्यान देना चाहिए? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए डिफेंस टॉपिक के साथ।